हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हैं और टीम बनाते बनाते आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्लेयर है जो ज़्यादा चलेगा, यानी कि ड्रीम टीम में ज़्यादा आने का संभावना है, और कौन सा प्लेयर को ड्रीम टीम में नहीं आने का संभावना है, ये किस तरह से पता करेंगे। तो यहाँ पे जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा कि जो भी मैच में आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो उस मैच पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्रिएट टीम के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्रिएट टीम के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्लेयर्स दिखाई देगा। आपको ये नहीं दिखाएगा कि इतना परसेंट इसको ड्रीम टीम में आने का संभावना है। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दिखाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस प्लेयर को कितना परसेंट ड्रीम टीम में आने की संभावना है। तो यहाँ पे ये प्लेयर तो पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन कितना परसेंट इस प्लेयर को ड्रीम टीम में आने का संभावना ये पता नहीं चल रहा है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए और प्लेयर को भी मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ये प्लेयर को मैं देख लेता हूँ कि ये प्लेयर को ड्रीम टीम में आने का कितना परसेंट संभावना है, यहाँ पर भी नहीं देख रहा है। तो कहाँ पे दिखता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये दीप्ति शर्मा है, यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे ड्रीम टीम में आने का इसको संभावना है या नहीं है। तो ये कहाँ से पता करेंगे, अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपको टीम बनाने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे लिखा रहता है कि ड्रीम टीम में इस प्लेयर को सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। तो जो भी प्लेयर को 50% से अधिक जो संभावना रहेगा ड्रीम टीम में आने का, उसको आप सिलेक्ट करके टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ए हेली है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू फुल प्लेयर इन्फो पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कितना रन मारे हैं, ये कितना रन मारे हैं पिछले मैच में, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से 58 रन मारे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 छक्का 2 को मारे हैं, 7 को 4 का मारे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे ड्रीम टीम देखने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है ड्रीम टीम। यहाँ पे इस प्लेयर को 83% चांस है कि ये ड्रीम टीम में आ सकता है। तो यानी कि 80% से ऊपर आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि 80% से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ड्रीम टीम में आने का संभावना है जो बहुत अधिक है। और यहाँ पे दूसरे प्लेयर को मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पे एस वर्मा को मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू प्लेयर इन्फो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लेयर को 16% है जो ड्रीम टीम में आने की संभावना है। तो इस प्लेयर को क्यों सिलेक्ट करेंगे जब 16% इसको ड्रीम टीम में आने की संभावना है। तो यहाँ पे अब मैं बैक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरी प्लेयर को देख लेता हूँ कि किस प्लेयर को और ड्रीम टीम में आने की संभावना है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए कुमारी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अश्वनी कुमारी इसका नाम था, भूल गए थे। तो यहाँ पे व्यू प्लेयर इन्फो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम टीम में इनको 0% आने की संभावना है। अब मैं देख लेता हूँ दूसरी प्लेयर को, यहाँ पे दीप्ति शर्मा को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इनको कितना परसेंट आने की संभावना है। तो यहाँ पे व्यू फुल प्लेयर इन्फो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको 66% आने की संभावना है। अब मैं यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और मैं दूसरी देख लेता हूँ, एस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। देखने के बाद यहाँ पे पता चल जाए कि इनको कितना परसेंट आने की संभावना है। तो यहाँ पे व्यू फुल प्लेयर इन्फो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको 100% है जो ड्रीम टीम में आने की संभावना है। तो यहाँ पे इस प्लेयर को तो चुनना अनिवार्य ही होगा, क्योंकि 100% इनको ड्रीम टीम में आने की संभावना है। इसलिए है क्योंकि ये जो प्लेयर है ये हर एक मैच में ड्रीम टीम में आए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ड्रीम टीम में आप चेक कर सकते हैं और आप प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये प्लेयर है जो 3 मैच में ड्रीम टीम में नहीं आए, फिर ड्रीम टीम में आए, फिर ड्रीम टीम में नए, ऐसे में पता नहीं चल पाता है कि इसको सिलेक्ट करें या ना सिलेक्ट करें। तो सिंपली व्यू फुल प्लेयर इन्फो पे मैं जब मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टोटल जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है कि इनको जो है 42% ड्रीम टीम में आया है और
चांस है कि ड्रीम टीम में आने की संभावना इतना परसेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे मैं जब मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू फुल प्लेयर इन्फो पे मैं जब क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रीम टीम में इनको 66% आए हैं, और यहाँ पे इनको जो है और भी आने का संभावना है कि ये ड्रीम टीम में आ सकता है। तो इस तरह से आप ड्रीम टीम में देख सकते हैं कि कौन प्लेयर ड्रीम टीम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।